ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच एस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं मंगल की महादशा और मंगल की अंतरदशा। आखिर मंगल का प्रभाव, मंगलिक योग का प्रभाव कैसा रहता है? 12 लग्न हैं, यानी मेष लग्न से लेके मीन तक 12 लग्नों में एक लग्न में ये 5 जगह प्रभाव डालता है, और 12 × 5 = 60, तो मंगलिक दोष 60 प्रकार का हो गया। क्योंकि हर लग्न में अलग अलग जगह बैठने का उसका अलग अलग प्रभाव है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारे ज्योतिषी जो बैठे होते हैं वो खाली कंप्यूटर में डाला और मिला के छोड़ दिया, इससे जनता का नुकसान, प्रजा का नुकसान होता है, क्लाइंट का नुकसान होता है। विश्वास तो उठता ही है, ज्योतिष से विश्वास का उठने का कारण क्या हुआ? यही एक कारण रहा है, अज्ञानता। अज्ञानता में भी पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन पूरा ज्ञान अगर आपके पास है तो आप उसको बताइए कि ये सिचुएशन है, तब जाकर के आपको कुंडली किसी की मिला सकते हैं। अब बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर डिबेट होती हैं, अभी उन डिबेटों में हम उन तर्कशास्त्रियों को जवाब देते हैं शालीनता से कि आप किसी भी ग्रहण के प्रभाव को नेग्लिफाई नहीं कर सकते, यानी किसी भी ग्रहण के प्रभाव को आप ये नहीं कह सकते इसका नगण्य प्रभाव है। उनको मैंने हाँ करवाया, उनके ब्रेन के कंसेप्ट को क्लियर कराया, और मुझे खुशी होती है कि लाखों ज्योतिषी इस प्रोग्राम से सीख सीख करके ज्योतिष सीख गए, जो अपना घर का खर्चा चलाते हैं। मैं पहले किसी सम्मेलन में नहीं जाता था, मुझे टाइम नहीं होता था, लेकिन अभी लोगों ने बुलाना शुरू किया तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है किसी भी ज्योतिष सम्मेलन में जाने का, आपको सिखा करके आना। ना तो मैं वहाँ सब्जी मंडी में जाकर के कोई स्टॉल लगाने वाला, ना मैं किसी नक्षत्रा में जाता, ना किसी प्रगति मैदान में बैठता। उसका कारण है कि अब हमारा वो समय नहीं रहा कि हम जाकर के कहीं पर, जैसे सब्जी मंडी लगती है और सब्जी मंडी में आजकल 150-200 ज्योतिषी, 500 ज्योतिषी आकर के स्टॉल लगा करके बैठे हुए कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हैं, कल को गली गली में रेडी पर घूमेंगे, ज्योतिष दिखा दो, ज्योतिष सिखा दो, ज्योतिष करा लो, ज्योतिष दिखा दो। हैं, ये स्टेटस गिर गया है ज्ञान का, मैं वो नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य, अभी भी सम्मेलन में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ ज्योतिष सिखा के ही आता हूँ, उनको टिप्स दे करके आता हूँ कि आपको कैसे करना है ज्योतिष को। आज बताऊँगा वृश्चिक लग्न। अब वृश्चिक लग्न स्वयं मंगल की लग्न है, लग्नेश है, स्वयं राजा है। जैसी उसकी स्थिति होगी बैठने की, वैसा ही वो फल देगा। राजा तो मूढ़ी होता ही है, और साथ में दुश्मन स्थानों को कुचलने की क्षमता भी उसके पास है। लग्न में बैठा है, मंगल का प्रभाव यहाँ कम होता है, लेकिन ये बीमारी वाला प्रभाव है, इसकी दृष्टि इधर और इधर है। चौथे भाव पे दृष्टि है, माँ की बीमारी, पत्नी घर में पत्नी की बीमारी देगा। इधर बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तो आपको इंटेलेक्चुअल योग बनाता है, या पर इंटेलिजेंट योग बनाएगा। और इधर बैठा हुआ है उच्च का, तो ये बहुत पावरफुल है। ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए जिनका मंगल तीसरे भाव में, बहुत पावरफुल होती हैं और पति के साथ मारपीट भी कर देती हैं, तलवार भाला एकदम उन निकाल लेती हैं, उनका गुस्सा और पावर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रजिया सुल्तान, रानी की झांसी, ऐसे फूलन देवी, ऐसे बहुत सारी स्त्रियाँ जो होती हैं बहुत पावरफुल माइंड की होती हैं। यहाँ बैठा है तब भी मंगल क्रोधी है, लगन का स्वामी भी, और चौथे भाव पर बैठने के कारण मन का स्वामी हो जाता है। इधर बैठा है तो बुद्धि स्थान पर, मन बुद्धि और शरीर अगर वायलेंट होगा मंगल से, तो आदमी क्रोधी और वायलेंट होता है, तो वहाँ पर मंगल की पूजा ही करनी चाहिए, इसके मंत्र नहीं पहनना चाहिए। इधर बैठा है तो दुश्मनों को कुचल देगा, ऐसा व्यक्ति चुन चुन के मारता है, सद्दाम हुसैन की तरह, यानी कर्नल गद्दाफी की तरह अपने दुश्मनों को मारते हैं। इधर बैठा हुआ है तो यहाँ मंगलिक दोष बीमारी वाला बनता है, यानी पति पत्नी में किसी एक का बीमार लगातार रहने का योग बनेगा। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए आपको डायमंड पहनना चाहिए, अगर आपकी पत्नी बीमार रहती है, पति बीमार रहता है। तो यहाँ बैठा हुआ है मृत्यु स्थान में, तो ये मंगलिक दोष आपके स्वयं के लिए हानिकारक है। आप पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु, यानी स्वयं की मृत्यु, मंगल जिसका है उसकी मृत्यु होने का योग बन जाता है अपने आप ही, कि उसकी आयु को खतरा बन जाता है वहाँ पर। एक तो खुद की कमजोरी होगी, लेकिन हम आरोप सामने वाले पर लगा देते हैं, हम पत्नी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। यहाँ मंगल नीच का बैठा है तो आपकी आयु के लिए यहाँ पर भी खतरा बनेगा, पिता की आयु के लिए भी खतरा बनेगा। पिता पुत्र दोनों को एक साथ मृत्यु का योग, गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, ट्रक के नीचे कुचल गए, पहाड़ी से गिर गए, कहीं पे भी कुछ तकलीफ हो गई, तो पिता पुत्र को एक साथ ऐसी सिचुएशन में नहीं चलना चाहिए। और पिता की आयु को बढ़ाने के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए नीच भंग करना चाहिए, यानी यहाँ पर मोती पहनना चाहिए, पुखराज भी पहनना चाहिए, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। आपका मंगल
दशम भाव में बैठा है, यहाँ पावरफुल हो जाता है इस स्थान पे, ये दिशा बल मिल जाता है इसको, दक्षिण दिशा है, तो यहाँ मूंगा पहन सकते हैं कैरियर के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, आर्मी के अधिकारियों को, कमांडोज के लिए, बीएसएफ वालों के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस देगा। साथ में वकील भी पहन सकते हैं, इंजीनियर भी पहन सकते हैं। इधर बैठा हुआ है तो ये बड़े भाई के साथ तालमेल अच्छा नहीं बैठाएगा, उनका स्वास्थ्य भी खराब करेगा और लाभ में भी कहीं ना कहीं लगातार कमी बनी रहेगी। इसलिए मंगल के मंत्रों का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इधर बैठा हुआ है, बारम भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी दोनों नुकसान आपको होंगे, स्वास्थ्य का नुकसान भी होगा और साथ में रोग चोट बीमारियों का नुकसान भी होगा। मंगल अपनी लगन के अंदर भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है। लगन में बैठा हुआ है आपके लिए अच्छा है, यहाँ बैठा है माँ के लिए खराब है, यहाँ बैठा है पत्नी के लिए खराब है, इधर बैठा है स्वयं के लिए खराब है। इसका मतलब अष्टम मंगल वृश्चिक लगन का सबसे खतरनाक है, ये ध्यान कर लेना चाहिए। एक एक लगन में मैंने आपको जानकारी दी है और अभी भी आगे देता रहूँगा कि वृश्चिक लगन में सबसे खतरनाक मंगल अष्टम होगा और उसके बाद इधर का होगा। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी मंगलिक दोष है, दरिद्र योग है, पितृदोष है, कालसर्प दोष है, तो उसकी शांति के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अच्छी किताबें घर बैठे ज्योतिष सीखने के लिए, पत्राचार कोर्स लेने के लिए, अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच एस रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपये वीपीपी डीडी मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 0378050030021 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 0222670793, मोबाइल नंबर 9820114249।